to come on the ground. Both the team captains, umpires already hain yahan par. Agar captains aa jaye to hum toss kar lenge. Asma Royal ke captain aa rahe hain. PNM Tiger ke captain bhi aa jaiye. ओके एम्पायर्स रेडी. एक और टीम के कैप्टन की यहाँ पर जरूरत हो. दिलबाग जी यहाँ पर आ चुके हैं. पवन सर भी यहाँ पर आ रहे हैं. आशीष भी यहाँ पर आ रहे हैं. सिक्का एक ही उछलने वाला है. सिक्का एक ही उछलेगा आज यहाँ पर. ओके लेट्स गेट रेडी फॉर द टॉस. दोनों कैप्टन्स आगे आ जाइए अंपायर के पास. दैट्स अ वंडरफुल मोमेंट. एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द प्लेयर्स प्लीज शो स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्टिक टू द टाइम. And here come the answer. Heads. Sir, PNM Tigers पहले batting करेंगे और Asma Royals fielding करेंगे. Toss जीता है PNM Tigers ने. So both the team players get ready. PNM Tigers आपके captain ने toss जीता है और decide किया है कि पहले आप बल्लेबाजी करेंगे. यानी कि आप बैटिंग करेंगे. Asma Royals गुड टू गो फील्ड करेंगे. लेट्स गो एवरीवन. म्यूजिक प्लीज कैन वी हैव द एंथम लाउडर. टॉस जीता है PNM Tigers ने और डिसाइड किया है कि वो पहले बैटिंग करेंगे. लेट्स नॉट वेट टाइम एवरीवन. लेट्स गो ऑन द फील्ड प्लेयर्स. दोनों टीमों के प्लेयर ग्राउंड पर आ जाइए. डे थ्री से पहले मैच हुआ था इंटरसेप्ट रेड इंकर्स वर्सेस सिंह स्ट्राइकर्स जिसमें इंटरसेप्ट विनर रहा और सिंह स्ट्राइकर्स ने बहुत अच्छा खेला. So moving on next, second match for the day between Asma Royals and PNM Tigers. Requesting both the team captains to ask your players to come on the ground. Please do not waste time. Please do not waste time. Umpires already ground par hain. Aap sabhi aa jaiye. Donon teamon ke captain se request hai. Ek ek player pehle ek bar yahan par scorer ke paas bhej dijiye. Naam likhwa dijiye. दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है एक एक प्लेयर अपना स्कोरर के पास भेज के नाम लिखवा दीजिए बता दीजिए आइडेंटिफाई करा दीजिए. Final announcement for Asma Royals and PNM Tigers. Please go on the ground. And requesting all the people who are standing in the ground, थोड़ा सा beckon कर दीजिए.
राउंड को सेकंड कर दीजिए नॉन प्लेयर्स। For the video and pictures, and to make sure who all are playing, please beckon the ground. I'm requesting everyone, please beckon the ground. प्लीज ग्राउंड पर आ जाइए। ओवर टू द कमेंटेटर। क्रिकेट cricket cricket रिक्वेस्ट आ रही है नॉन प्लेयर्स नॉन पार्टिसिपेंट प्लीज वेकन द ग्राउंड। दिलबाग इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट टू एवरीवन and here I'm requesting actually the captain and the owners Dilbagh bhai ji please ask your team players to settle down themselves scorer over to you Ashish thank you lights on kar dijiye PNM टाइगर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बैट्समैन को ग्राउंड पे भेजें प्लीज। और ये AECL 2019 का सेवेंथ मैच होने वाला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोनों टीमों के बीच। आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग इनिशिएटिव बाय नावा। टॉस जीत के
पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया कैप्टन दिलबाग सिंह ने। बैट्समैन की वेट हो रही है, प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे पीएनएम टाइगर्स की टीम से कि प्लीज अपने बैट्समैन को ग्राउंड पे भेजें। और जो बैट्समैन ओपनिंग में आए हैं दिलबाग भाई जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका एक प्लेयर हमारे साथ ही रहेगा स्कोरर पे जो सारे प्लेयर्स के नाम हमें बताएगा। हनीजीत एंड मोहन दोनों ओपनर बैट्समैन हैं पीएनएम टाइगर्स के, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होगी टीम की कि वो एक अच्छा स्कोर खड़ा करें। और ये सेवंथ मैच इस टूर्नामेंट का, बैट्समैन मोहन और बॉलर हैं गोलू, दोनों के ऊपर ही जिम्मेवारी बड़ी। और ये उठा दिया है और ये चार रन पहली बॉल पे चौका जड़ दिया है मोहन ने। AECL 2019 का टूर्नामेंट का सेवेंथ मैच, देखना होगा कि फील्डिंग बहुत ही अच्छी फील्डिंग कैप्टन मार्क द्वारा, एक रन फिर भी मिलेगा पीएनएम टाइगर्स के बैट्समैन को। और ये एम्पायर का इशारा होगा वाइट, बैट्समैन है हनी और बॉलर गोलू। और रेडी नहीं थे बैट्समैन, और रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से कि बैट्समैन का नाम लेकर उनको ना पुकारा जाए क्योंकि ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है बैट्समैन का बॉलर का। और बहुत ही अच्छा कट किया, एक रन जरूर मिलेगा, संगीता ने ये थ्रो किया है भारत की तरफ।
और ये उठा दिया है, देखना होगा कि फील्डर रोक पाते कि नहीं, और ये रोक लिया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक रन मिलेगा पीएनएम टाइगर्स के बैट्समैन को, बहुत ही अच्छा। और हनी जीत तैयार है खेलने के लिए, बॉलर तैयार, बॉल फेंकी, आराम से प्लेट करके एक सिंगल स्कोर लिया। और आशीष माथुर और पवन चावला जी की ये टीमें खेल रही हैं, आसमा और पीएनएम, दो बहुत ही खूबसूरत टीमें जिनका आपस में बहुत प्यार है। आशीष से बात हो चुकी है, सेटिंग हो चुकी, बॉल स्लो करेंगे, ठीक है ना, तो ये कह रहा है सिर्फ आपके लिए। और मैं ये माइक, नेहा ने बोलना कुछ, अच्छा पवन चावला साहब कुछ कहना चाहते हैं, और अपने सुमेश भाई का जन्मदिन था कल, और सबकी तरफ से बधाई देता हूं, पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से, दिलबाग सिंह के मैनेजर हैं ये, और बहुत ही प्यारे इंसान है। अब पवन जी कुछ कहना चाहते हैं, लीजिए। और ये बॉलर आए हैं सुलभ, और एक रन जरूर मिलेगा, देखना होगा कि दूसरे की कॉल है कि नहीं, और दूसरा रन लेना चाहते हैं बैट्समैन, और देखता है थ्रो आता कि नहीं, दो रन कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया रनिंग पीएनएम टाइगर्स के बैट्समैन द्वारा। सुलभ नागपाल जो बॉलर हैं, बहुत ही कमाल के सिंगर हैं वो, और हमारी टीम के सेलिब्रिटी फेस। आसमा रॉयल, बहुत कमाल की फील्डिंग, और ये फुल टॉस गेंद सुलभ की, खेलना चाहते थे मिड विकेट दिशा में, और दोनों ही बैट्समैन को एक रन लेने से नहीं रोक पाए सुलभ, अच्छी गेंदबाजी। और रन बढ़कर हुए 13, और अगली गेंद लेकर सुलभ सामना करेंगे हनी, आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की कप्तान मार्क ने, और अच्छी गेंदबाजी, और हल्के हाथ से फ्लिक किया फाइन लेग की दिशा में, बहुत ही तेजी के साथ एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और स्कोर बढ़कर हुआ 14। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय किया, बहुत खूबसूरत चीयर गर्ल्स आई हुई हैं, और वो वेट कर रही हैं चौके छक्के का डांस करने के लिए। खूबसूरत शॉट खेल दिया है बॉलर के ऊपर से, वहां पर फील्डर मौजूद शब्बीर, अच्छी फील्ड, और जब तक फील्ड को थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाज एक रन पूरा कर चुके थे। अभी तक रनों पर लगाम लगा रखी है आसमा के गेंदबाजों ने, अच्छी गेंद खेल दिया है कवर दिशा में, वहां पर कप्तान मार्क खुद मौजूद, जिनके हाथों से रन लेना काफी मुश्किल, और दोनों ही बल्लेबाजों ने मना किया रन लेने के लिए, और इसी के साथ अगली गेंद लेकर सुलभ, अभी तक काफी किफायती ओवर जाता हुआ सुलभ का। अच्छी गेंद हल्के हाथ से प्लेट किया कवर दिशा में, और फिर वही गेंद, और फिर वही फील्डर कप्तान मार्क, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ है 15 पीएनएम का।
बिना किसी नुकसान के। और हम आपको बता दें कि जो भी टीम यह मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। AECL टूर्नामेंट और नए गेंदबाज रिक पहली गेंद पर छक्का लगाया बल्लेबाज ने। काफी शॉर्ट लेंथ गेंद और बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया। फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाया बल्लेबाज ने पहली गेंद पर। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। मोहन जो काफी अटैकिंग प्लेयर है अपनी टीम के लिए और गुड़गांव छोर से फिर से गेंदबाजी करते हुए रिक फिर वही दिशाहीन गेंदबाजी और ये वाइड बॉल का इशारा हमारे एम्पायर द्वारा। हमारे दोनों ही एम्पायर जो काफी सूझबूझ के साथ मैदान के अंदर एम्पायरिंग कर रहे हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। और शॉर्ट गेंद और ये खूबसूरत कैच हो सकता था लेकिन ड्रॉप हुआ कप्तान मार्क के हाथ से और एक जीवनदान मिला मोहन को जो काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक एक आसान था कैच था और एक अच्छा विकेट मिल सकता था आसमा को। अच्छी गेंद फ्लिक किया स्क्वायर की दिशा में एक रन के साथ अपनी टीम का स्कोर बढ़ाया बल्लेबाज हनी ने। दोनों ही बल्लेबाजों में काफी समझदारी। और ये खेल दिया गोल के ऊपर से देखते हैं क्या होता है और ये हमारे कैमरामैन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लॉक स्वीप लगाया मोहन ने इस ओवर का दूसरा छक्का। रिक के इस ओवर में देखिए ओवर के बीच में कोई पानी ना पिलाए। अपना एक पांव निकाला और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया हमारे कैमरामैन के ऊपर से। और ये कदमों का इस्तेमाल किया मोहन ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया अच्छी फील्ड वहां शब्बीर की देखते हैं क्या होता है और ये एक रन पूरा किया मोहन ने। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ इकतीस बिना किसी नुकसान के। अच्छी सूझबूझ के साथ हनी की बल्लेबाजी क्योंकि वह जानते हैं कि इस ओवर में काफी रन आ चुके हैं और एक रन के साथ ओवर की समाप्ति की तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 32 बिना किसी नुकसान के। और जो लोग जो दर्शक अभी अभी मैदान में आए हैं हम उनको बता दें कि PNM ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया आसमा रॉयल को। आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग का जो यह आयोजन हुआ है हमारे बड़े भैया आशीष माथुर के द्वारा हुआ है जिनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 32 तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 32 पावर प्ले का। और चौथे गेंदबाज मोंटी मोंटी हाथ खड़े करें धन्यवाद। और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। काफी अच्छे गेंदबाज मोंटी
काफी लंबे रन के साथ गेंदबाजी करते हैं। खूबसूरत गेंद खेल दिया है और नीचे फील्डर देखते हैं क्या है? और ये अच्छा प्रयास शब्बीर का चौका और ये मॉन्टी की पहली गेंद पर मेल जॉन के ऊपर से चौका लगाया। काफी अच्छा प्रयास शब्बीर का। अगर यह गेंद हाथ पे लगती तो यकीनन कैच हो सकता था। आखिरी ओवर पावर प्ले का और दोनों ही बल्लेबाज इस ओवर का पूरा फायदा उठाते हुए अभी तक अच्छे बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। फील्डिंग में तब्दील करते हुए डी फैन लैग को थोड़ा और फैन किया। फुल टॉस गेंद खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ और कवर के बीचों बीच देखते हैं फील्डर पीछे पीछे है और ये चार रन लगातार दो गेंदों पर दो चौके। आसमा डांस कंपनी के कैप्टन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं। आशीष जी पीएनएम वालों को कह रहे हैं कि थोड़ा सा देख लो यार, ये तो फ्रेंडली मैच था। चौका, बहुत ही शानदार चौका, बहुत ही शानदार। और ये तीसरा चौका वी मिस सेलिब्रिटी फेस सुमित सेठी, वो कल होंगे हमारे साथ। और ये लगातार तीन गेंदों पर तीन चौके लगा चुके हैं हनी। और इसी के साथ गेंदबाज बाउंटी ने मिड विकेट और मिडन को डीप किया। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए माउंटी और लेग स्टंप से काफी बाहर गेंदबाजी करते हुए दिशाहीन गेंदबाजी माउंटी की। और इसी के साथ तीन गेंदों पर रन आ चुके हैं 13, काफी महंगे साबित होते हुए माउंटी। और ये खेल दिया है मिडल की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद सुलभ, देखते हैं क्या आता है। और ये एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया फील्डिंग हनी को, अच्छी फील्ड और काफी निराश बल्लेबाज। फिर से बल्लेबाजी का भार संभाला है मोहन ने। और ये बैकफुट पे गए, खेलना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से लेकिन बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले की आखिरी गेंद, कप्तान मार्क फील्डिंग में तब्दीली करते हुए काफी सूझबूझ के साथ कप्तानी करते हैं आसमा रॉयल के कप्तान मार्क। काफी तजुर्बा उन्हें, लास्ट ईयर के विजेता टीम के कप्तान। और ये और मिडविकेट के बीचों बीच खेला गया और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। चार ओवर में
50 रन पूरे हुए पीएनएम के चार ओवर में। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 50 रन की पार्टनरशिप हुई। काफी महंगे साबित होते हुए आसमान रॉयल के गेंदबाज और कप्तान मार्क ने फिर से गेंद सौंपी है सुलभ को। कप्तान मार्क का जन्म वेस्ट इंडीज में हुआ, उसके बाद इंडिया आकर उन्होंने आसमा डांस कंपनी को ज्वाइन किया। बहुत ही प्रोफेशनल डांस आर्टिस्ट आसमा डांस इवेंट क्रिकेट लीग, जहां सभी खिलाड़ी आर्टिस्ट और इवेंट के अपना अपना जोहर दिखाते हुए। और इन सब को इकट्ठा करने का क्रेडिट जाता है आशीष माथुर जी को, आसमा डांस कंपनी को। और 30 गज के अंदर जो फील्डर तैनात थे अब उन्हें अनुमति मिल गई है 30 गज के बाहर जाने की, यानी के पावर प्ले खत्म हो चुका है चार ओवर का। फील्डिंग में सजावट करते हुए कप्तान मार्क चार ओवर 50 रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 12.5 रन औसत की रन रेट से बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज रन। और ये कट किया थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर संगीता मौजूद, हल्का सा मिडफील्ड हुआ, 2 रन बाकी कर चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। जहां 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद सुलभ की। फुल टॉस गेंद कट किया पॉइंट की दिशा में, वहां पर डाइव लगाया बल्ले फील्डर ने और लेकिन 1 ही रन ले पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी फील्ड, दोनों बैट्समैन बहुत संभल के खेलते हुए, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छी तालमेल। और फिर से खेल दिया है फाइनल लेग की दिशा में और वहां मिसफील्ड हुई, रन बन नहीं रहे, बनवा रहे हैं। राहुल से मिसफील्ड हुआ, जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां अपने मिसफील्ड की वजह से 4 रन दिए राहुल ने। कप्तान मार्क काफी निराश राहुल से। और रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, पॉइंट पर खड़े फील्डर से चूक हुई और लगातार दूसरा चौका मोहन के बैट से। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक मोहन के द्वारा, रन बढ़कर हुए 61। मीडियम पेस बॉलर को रिवर्स स्वीप मारना बहुत ही मुश्किल होता है और ये कारनामा कर दिखाया मोहन ने। लगातार रन बढ़ते हुए और ये कदमों का इस्तेमाल किया अंपायर का इशारा बैट, और ये एक आसान सा कैच फिर से ड्रॉप किया विकेट कीपर भरत नेगी ने।
मोहन ने कदमों का इस्तेमाल किया, बाहरी किनारा लगा बैट का और एक कैच ड्रॉप हुआ विकेट कीपर भरत नेगी से। लगातार चांस मिलते हुए मोहन को दूसरा चांस मिला मोहन को। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गेंद, अच्छी गेंद सुलभ की और ये खराब थ्रो अर्जुन का, जहां पर एक भी रन नहीं हो सकता था वहां पर अपनी खराब फील्डिंग के कारण एक रन दिया। रन बन नहीं रहे, बनवा रहे हैं। और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ है 63 बिना किसी नुकसान के। ओवर, हमारे दोनों ही एम्पायर जो काफी सूझबूझ के साथ हमारे इस मैदान में धूप हो छांव हो गर्मी हो आंधी हो बरसात हो डटे रहते हैं अपनी ड्यूटी के साथ। हम धन्यवाद करते हैं दोनों ही एम्पायर का। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 63 और गेंदबाजी का भार संभाला है कप्तान मार्क, जो काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हैं। तजुर्बेकार गेंदबाज इन स्विंग आउट स्विंग के बादशाह मार्क। और ये शॉर्ट गेंद खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, पहली गेंद पर स्वागत किया मार्क का छक्के के साथ हनी ने। स्कोर बढ़कर हुआ 69, स्वागत किया हनी ने मार्क का छक्के के साथ। और ये फिर से एक आसान सा कैच ड्रॉप किया, काफी खराब विकेट कीपिंग भरत नेगी की। 2 ओवर में 2 कैच ड्रॉप कर चुके हैं अभी तक। और स्कोर बढ़कर हुआ 70। अगली गेंद लेकर मार्क सामना करेंगे मोहन। अच्छी गेंद और अपनी गेंद पर अच्छी फील्ड किया मार्क ने, जो काफी तजुर्बेकार गेंदबाज हैं। और फिर से शॉर्ट गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन के लिए मोहन के बैट से। और ये फिर से शॉर्ट गेंद फाइनल लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। लगातार रनों की बारिश करते हुए मोहन काफी महंगे साबित होते हुए कप्तान मार्क। और मोहन अपने निजी 48 रनों पर खेल रहे हैं नाबाद, 2 रन दूर अपने अर्धशतक से।
काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए छह ओवर की लास्ट बॉल है। ओके ओके। और मार्क के कंधों में कुछ परेशानी होने के कारण एक गेंद करवानी पड़ेगी अर्जुन को। माफी चाहता हूं सुलभ, आखिरी गेंद करवाएंगे। कंधे में खिंचाव पड़ने के कारण अपने ओवर की आखिरी गेंद नहीं फेंक पाए मार्क, क्योंकि ये उन्हें परेशानी जयपुर से है। फ्लिक किया हल्के हाथ से, वहां पर फील्डर मौजूद अर्जुन, कोई रन नहीं और ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ 80। और इस टूर्नामेंट की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट की, अभी तक कोई भी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी लंबी नहीं गई और यह कारनामा कर दिखाया पीएनएम क्रिकेट क्लब ने। और काफी परेशान कप्तान मार्क, 6 ओवर 80 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में तब्दीली करते हुए गोलू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गोलू, काफी अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंद, हल्के हाथ से खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में। दूसरा लेना चाहते थे हनी, मना किया मोहन ने। अच्छी सूझबूझ के साथ रनिंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और ये अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, लेग स्टंप से काफी बाहर थी। और फिर वही गेंद और फिर वही बॉल और फिर वही इशारा, व्हाइट बॉल। लगातार दो वाइड आती हुई गोलू के द्वारा। और ये खेल दिया है फाइनल क्रिशा में, वहां पर मौजूद राहुल। अच्छी फील्ड, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी तक काफी अच्छे गेंदबाजी की है गोलू ने अपनी टीम के लिए। और ये खेल दिया है मिड ऑफ क्रिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखते हैं क्या होता है। और ये एक ही रन, अच्छी फील्ड, थोड़ा बॉल फंबल हुआ लेकिन मना किया हनी ने। और यॉर्कर गेंद, और ये देखते हैं और ये क्या होता है, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए मोहन के अपनी टीम के लिए, 50 रन का योगदान दिया मोहन ने। अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद, यॉर्कर लेंथ
जो पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज, अभी तक किफायती गेंदबाजी की है गोलू ने अपनी टीम के लिए। म्यूजिक बंद प्लीज, म्यूजिक ऑफ। बहुत ही अच्छी गेंद गोलू की वापसी करते हुए आसमा रॉयल के गेंदबाज और अपने कप्तान की उम्मीदों पर खड़े उतरे गोलू। फिर वही दिशाहीन गेंदबाजी के साथ वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर द्वारा। और ये पहली सफलता दिलाई गोलू ने, जो अपने इस ओवर में काफी परेशान कर रखा था दोनों ही बल्लेबाजों को, और आखिरकार सफलता दिलवाई गोलू ने हनी के द्वारा पहला विकेट गिरता हुआ। पीएनएम का म्यूजिक प्लीज, प्ले म्यूजिक। और ये पहला विकेट गिरा पीएनएम का। और हनी ने 31 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। बैट्समैन नेम चंदन आए हैं, चंदन है तो हाथ खड़ा करें, धन्यवाद। चंदन आए हैं, अगले बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। बॉलर नेम अर्जुन, कदमों का इस्तेमाल किया और देखते हैं क्या होता है। और ये फील्डर मौजूद, और ये 4 रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी मोहन के द्वारा। अर्जुन के पहली गेंद पर चौका लगाया, स्टेट ड्राइव गेंद। पहली गेंद पर चौका लगाया, चौका जी, और फिर से गेंदबाज के, और ये अब देखते हैं क्या होता है। ये कदमों का इस्तेमाल किया मोहन ने, और लगातार मिडफील्ड का नजारा पेश करते हुए आसमा रॉयल के फील्डर। दो गेंदों पर लगातार दो चौके लगाते हुए पहले गेंदबाज के सर के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका लगाया, वहां मिसफील्ड हुआ फील्डर से। और ये लेग स्टंप से भटके अर्जुन, वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर महेश द्वारा, जो काफी सूझबूझ के साथ अंपायरिंग करते हैं। फिर से कदमों का इस्तेमाल, और वहां फील्डर मौजूद, और ये देखते हैं गोलू, काफी अच्छी फील्डिंग गोलू द्वारा, बहुत ही बढ़िया फील्ड गोलू के द्वारा, जिन्होंने पिछले ओवर में पहला ब्रेक दिलवाया आसमा रॉयल को।
और ये हल्के हाथ से खेला फाइनल की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद राहुल, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और ये खेल दिया है हवा में फैल लेकिन जब फिल्टर नीचे मौजूद है और देखते हैं क्या होता है। और ये एक यहां पर एक कैच हो सकता था, मोहन का कैच भी ड्रॉप किया और कैच को तब्दील किया छक्के में। और इसी के साथ पीएनएम मूवीज के 103 रन होते हुए 100 रन पूरे किए हुए। और ये दिल स्कूप का ट्राई करते हुए बीट हुए, दिलशान का शॉट ट्राई किया मोहन ने लेकिन बीट हुए। और इसी के साथ डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 104 एक विकेट के नुकसान पर। और ये ड्रिंक ब्रेक होता हुआ दोनों ही टीमों के लिए पानी ले जाते हुए। और मैं गुजारिश करता हूं कि आसमान रॉयल के खिलाड़ी पानी लेकर जाएं। काफी धुआंधार शुरुआत करते हुए पीएनएम के बल्लेबाज 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 104 और अब इनिंग के बचे हुए 7 ओवर। और पारी के बचे हुए 7 ओवर दूसरे छोर से फेंके जाएंगे। और अब देखते हैं कप्तान मार्क किस तरह की सोच रखते हैं टीम की नैया पार करने के लिए। क्रिकेट लीग 2019 जिसका आगाज किया है आशीष माथुर के द्वारा। और अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आते हुए गोलू, जिन्होंने पिछले अपने ओवर में एक सफलता हासिल की थी। अच्छी गेंदबाजी गोलू के द्वारा, अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हुए गोलू।
फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ऊपर खेल जाए फिलहाल मौजूद, देखते हैं क्या होता है। और ये चार रन, फिर से कदमों का इस्तेमाल किया चंदन ने और ये चौका लगाते हुए अच्छा प्रयास किया शबीर ने, वहां पर डाइव लगाया लेकिन चार रन के लिए नहीं रुक पाए। और ये स्लॉग स्वीप लगाने के प्रयास में बीट हुए चंदन, बॉल सीधा पैर पर लगा। और हम आपको बता दें कि हमारे इस टूर्नामेंट में लेग बाय का स्कोर नहीं, और ये दूसरी सफलता दिलाई गोलू ने अपनी टीम आत्मा रॉयल को। लगातार दो ओवर में दो झटके दिए पीएनएम को, काफी निराश चंदन लौटते हुए अच्छी वापसी करवाई गोलू ने अपनी टीम को, लेकिन अभी भी मोहन क्रीज पर डटे हुए हैं। कप्तान मार खुश और टीम के सभी खिलाड़ी काफी खुश गोलू से, जो अपने कप्तान और अपने ऑनर के फैसले पर खड़े उतरे। लगातार दो ओवर में दो सफलता प्राप्त की गोलू ने, अभी तक काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए। जो लोग अभी अभी मैदान में आए हैं हम उनको बता दें कि पीएनएम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ दर्शकों से, बैठने के लिए सीट नहीं, खड़े होने के लिए जगह नहीं, लोग तरस रहे हैं हमारा मैच देखने के लिए। बैट्समैन नेम सनम तेरी कसम, अच्छी गेंद और पहली प्लेयर पर, और ये उत्साह ज्यादा विश्वास कम अपील में, सनम मेरे सनम कसम तेरी कसम पहली बॉल पर बीट हुए। और ये अच्छा डिफेंस किया सनम ने और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गोलू। और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 108, मात्र 4 रन आए वो भी मिसफील्ड के, और एक विकेट हासिल किया गोलू ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गोलू 108। और 10वां ओवर लेकर आए हैं अर्जुन, अर्जुन है तो हाथ खड़ा करें, धन्यवाद। अच्छी गेंदबाजी खेल दिया है फाइनल की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है फाइनल की दिशा में, अच्छी फील्ड और एक रन, और फिर से साइक पर आए हैं सनम। और ये लेग स्टंप से हल्का सा भटके अर्जुन, वाइड बॉल का इशारा अंपायर महेश कुमार द्वारा। अच्छी गेंद और अच्छी फील्ड गोली के द्वारा, कोई रन नहीं,
काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए रनों पर लगाम लगा दी है और ये कदमों का इस्तेमाल किया, खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन मना किया मोहन ने क्योंकि वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। और पीछे से आवाज आई, क्या कर रहे हो यार, अच्छी गेंद और वहां पर फील्डर मौजूद है और ये एक भाग्यशाली रहे मोहन, अगर गेंद फील्डर के हाथ में आती तो यकीनन रन आउट हो सकते थे, लेकिन भाग्यशाली। शॉर्ट गेंद खेल दिया है और ये डबल मैंड हुए राहुल, जहां पर आसानी से एक रन भी नहीं हो सकता था, मिस फील्ड के द्वारा दो रन दिए राहुल ने, धोखा दिया गेंद ने, जाना था कहीं और चली गई कहीं और। और ये खेल लिया मिड ऑन की दिशा में वहां पर और ये देखते हैं काफी तेज रन की अच्छी फील्ड, और 10 ओवर की समाप्ति पर 13-1-1-3, 10 ओवर कंप्लीट, 2 विकेट लॉस, P&M क्रिकेट क्लब चुनुक। लेग स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा, बॉलर नेम राहुल, नाम तो सुना ही होगा, राहुल आए हैं, नाम तो सुना ही होगा राहुल का। और ये फिर से खेल दिया है शॉर्ट गेंद को फाइन लेग के दिशा में, वहां पर अच्छी फील्ड, एक रन से संतुष्ट और पिछले 3 ओवर से रनों पर लगाम लगाई है आसमान रॉयल के गेंदबाजों ने, ब्यूटीफुल गेंद, दिशाहीन गेंद थोड़ी और अंपायर का इशारा हम देखना चाहते हैं, वाइड बॉल का इशारा अंपायर महेश द्वारा, जो काफी अच्छी अंपायरिंग करने के लिए जाने जाते हैं। पूरा सहयोग देते हैं अंपायर महेश जी, ब्यूटीफुल गेंद खेल लिया है और ये क्या गैप ढूंढा है चंदन ने, कौन है ये सनम, सॉरी माफी चाहते हैं सनम, कवर के ऊपर से मारा, पूरा पूरा गैप देखा और बॉल को दिशा दिखाई आराम से नजाकत के साथ 4 रन के लिए, टिंग टोंग। जच्ची मेरी माँ है, 21 फिर से शॉर्ट गेंद, घुमा दिया बैट स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रन के साथ अगली गेंद पर एक सिंगल लिया सनम ने अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, सनम सनम मेरे सनम,
फिर से कदमों का इस्तेमाल किया है और यार विलन मौजूद है, देखते हैं क्या होता है। और ये छह रन का इशारा अंपायर महेश द्वारा पहले ही ओवर से बल्लेबाजी करने आए थे मोहन प्यारे तुम हर बार मारे। फिर से कदमों का इस्तेमाल वहां फिल्टर नीचे, देखते हैं क्या होता है इस बार। और ये मोंटी का खूबसूरत कैच, ये मोंटी है तो हाथ खड़ा करें, दिख नहीं रहे मुझे, मोंटी है तो हाथ खड़ा करें, धन्यवाद। और मोहन जो काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के लिए, मैं चाहता हूं पूरी टीम को हाथ रेन का क्रिकेट। और ये तीसरा विकेट गिरा पीएनएम टाइगर का। एक सौ अट्ठाईस मकसम धर्मेंद्र आए हैं अगले बल्लेबाज। और ये अच्छी फील्ड, वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और पहली गेंद का सामना करते हुए धर्मांध्र ये शब्बीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ब्यूटीफुल गेंद, अच्छी गेंद, पहली गेंद पर उड़ाने के प्रयास में बीट हुए धर्मेंद्र। मैच में काफी रोमांच बढ़ता हुआ वापसी किया आसमान रॉयल के गेंदबाजों ने। और ये कीपर के पास सीधा गई फुल टॉस गेंद, नौ बॉल का इशारा, यकीनन दो बॉल होगी। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे शब्बीर, रन अप छोटा किया और फिर एक गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी ही काफी चुस्ती फुर्ती के साथ विकेट कीपिंग करते हुए भरत नेगी। फिर से काफी धीमी गति गेंद करते हुए भरत,
अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए शब्बीर और ये काफी अच्छा शॉट लगाया लेकिन देखते हैं फील्डर पीछे भाग रहे हैं और क्या होता है। अच्छी फील्ड का प्रदर्शन पेश किया आसमा रॉयल के फील्डरों ने। अभी तक सिर्फ चार रन है इस ओवर से। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए शब्बीर ब्यूटीफुल गेंद खेलना चाहते थे और ये वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर द्वारा जो काफी अच्छी अंपायरिंग करते हैं महेश जी। अच्छी गेंदबाजी लेग ब्रेकर नहीं और इसी के साथ डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कितने में 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 134 यानी के 134। मार के कंधे में चोट लगने के कारण वो बाहर आए हैं और अंदर कप्तानी करेंगे सुलभ। कप्तानी सौंपी गई है सुलभ को। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 134। कप्तानी का भार संभाला गया सुलभ को। शॉर्ट गेंद खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद है और ये देखते हैं क्या होता है। रन आउट के चांस है काफी तेज रन के साथ रनों को पूरा किया गया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा बैकअप और अच्छी फील्ड अच्छी गेंद खेल दिया है फाइनल के दिशा में और ये देखते हैं दोनों ही बल्लेबाज काफी और यह बीच फील्ड हुआ जहां पर आसानी से एक ही रन हो सकता था वहां पर दो रन दिए। AECL आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग जिसका आयोजन किया है हमारे बड़े भैया आशीष माथुर जी नावा की तरफ से हमारे इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आशीष माथुर जी का। और सभी आर्टिस्ट को इन्होंने एकजुट किया और एक फील्ड के होते हुए भी जो किसी से अनजान थे उनको एक किया सभी खिलाड़ियों को सबका मेल मिलाप करवाया। हम धन्यवाद आशीष माथुर जी का जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया अपने कंधों पर जो कोई नहीं कर सकता वो कारनामा कर दिखाया हमारे बड़े भैया आशीष माथुर जी ने। हम उनका शुक्रगुजार हैं और जिन्होंने अपना योगदान दिया हमें
यार ये बात हम भी एक भी सारे कल तो यार ब्यूटीफुल गेंद अर्जुन की यॉर्कर गेंद बीट किया और बॉल सीधा किलियो को जाकर चीरती हुई और इसी के साथ सनम हुए बोल्ड और जार तालियों के साथ और ये देखिए पूरा मैदान खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत करता हूँ राजीव भैया का रुकते हुए सनम बोल्ड होकर आए हुए और ये देखिए पूरा मैदान खड़ा हुआ है राजीव भैया को देखने के लिए जिन्होंने 5 साल के बाद मैदान में वापसी की है क्योंकि उन्होंने हमें आज ही बताया था कि मैंने 5 साल के बाद दोबारा से एंटर किए हैं क्रिकेट के मैदान में ब्यूटीफुल गेंद और अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए अर्जुन रनों पर लगाम लगा दी है आसमान रॉयल के गेंदबाजों ने और ये राजीव भैया ने पहली दूसरी गेंद पर उठा दिया है और ये 0 पर बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया था राजीव भैया ने और निराश होकर पैवलियन की तरफ लौटते हुए बिना खाता खोले वापसी करते हुए अपनी टीम के साथ दोबारा से मैच देखेंगे और इवेंट क्रिकेट लीग अब बैटिंग करने आए हैं फेवरेट मेरे फेवरेट स्टार दिलबाग सिंह सेलिब्रिटी फेस और अपनी टीम के कैप्टन आशीष माथुर जी के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान अब देखो ये कितना जोर जोर से हंस रहे हैं ये पहले इनकी हंसी नहीं निकल रही थी आशीष भैया ये आउट होने पे आपका क्या कहना है टीम ने वापसी की है और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बस 5-7 रन से ज्यादा मिलने नहीं चाहिए दोनों ओवर के अंदर हमने अपने प्लेयरों को इशारा किया था आउट होने के लिए आपके साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और प्यार के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए बारह बोले रहती हैं 2 ओवर्स एक एक बॉल बहुत कीमती है पीएनएम टाइगर्स के लिए yeah.
उसको सेटिंग हुई कोई हमारी बहुत अच्छी बॉल रन मारो यार सिंगल डबल ही कर लो गलती करी गर्ल्स यू बी रेडी फॉर डांस आइदर आउट और सिक्स और फोर व्हाट एवर यू बी रेडी फॉर डांस हम पहले ही हार मान लेते अच्छा तो डेढ़ पेटी मेरे को दे दो मैं ही इशारा कर देता हूँ वेरी गुड शॉट Very good, very good. Dance, please, dance. Very good fielding. हाँ जी दिलबाग भाई थैंक्स क्रिकेट लीग और इवेंट क्रिकेट लीग पीएनएम के वाइस कैप्टन कप्तान लाडी जो कल रात को म्यूजिक वीडियो की शूटिंग में बिजी थे इसके बाद बिल्कुल फ्रेश मूड से यहां पर खेलने आए हैं पीएनएम टाइगर के सेलिब्रिटी फेस कप्तान लाडी अब ये लास्ट ओवर है एक तरफ दिलबाग बाजी कैप्टन एक तरफ वाइस कैप्टन पीएनएम टाइगर्स लास्ट ओवर सुलभ नागपाल की बॉलिंग सुलभ जी को इशारों में इशारा स्लो बॉलिंग के लिए
कप्तान लाडी पाजी रेस के अंदर भागने में दौड़ने में बहुत ही अच्छे हैं। बॉलिंग बाय सुलभ। व्हाइट बॉल, एम्पायर का इशारा। एम्पायर बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। एक रन मिलेगा पीएनएम टाइगर्स को। एक रन। चार बॉल बाकी हैं। वेरी गुड शॉट बाय कप्तान लाडी, बहुत बढ़िया फील्डिंग मार्क के द्वारा, गोलू के द्वारा। गोलू, तुम्हारा नाम गोलू किसने रखा? पापा ने। वेरी गुड। तीन बोले रही हैं। बहुत बढ़िया शॉट। एक स्कोर। अब दो बोले बची हैं। स्कोर 145। बहुत बढ़िया शॉट की कोशिश। एक स्कोर। लास्ट बॉल स्कोर 146। फोर। चौका बाय दिलबाग सिंह। चौका चौका लगा 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 रे चौका चौका। एम्पायर से पूछिए, एम्पायर से प्लीज। एम्पायर ने चौका डिक्लेयर किया। स्कोर 150। पीएनएम टाइगर्स, चौका भाई दिलबाग सिंह। कप्तान लाडी पाजी जो कि बहुत फेमस सिंगर हैं, बहुत बढ़िया खेले। नेट आउट। Cricket League, Oris, Event, Cricket League.
बहुत ही आनंद भरा ये मैच सेवेंथ इस टूर्नामेंट का AECL 2019 इनिशिएटिव बाय नावा और ये सुमित भैया का बहुत बड़ा सिक्स प्रैक्टिस ऐसी है तो मैच में क्या होगा और हमारे आसपास रॉयल्स के नेक्स्ट बैट्समैन होंगे सुमित भैया सुमित बहल बॉल पास करो यार कोई बॉल पास कर दो भैया जी दो टीमों के बीच में ये घमासान मैच किस तरफ मुड़ेगा इसका मुख देखते हैं अभी AECL 2019 सेवेंथ मैच इस टूर्नामेंट का PNM टाइगर्स वर्सेस आसमा रॉयल्स शुरू में लग रहा था कि बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करेंगे PNM टाइगर्स के बैट्समैन बट उनको आधे के बाद रोक दिया गया और एक अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा किया अपनी टीम के लिए देखना होगा कि आसमा रॉयल्स के बैट्समैन उसको किस तरीके से चेस करते हैं AECL 2019 आर्टिस्ट इवेंट के लिए टीम इनिशिएटिव बाय नावा मीडिया पार्टनर MH1 टाइगर स्पॉन्सर है देवम टच बोर्ड ग्रुप पावर्ड बाय गैलवे So everyone, the score is PNM Tigers made 150 runs. तो जीतने के लिए आसमा रॉयल्स को चाहिए 151 runs. Players already on the ground making the strategy. So I'm requesting both the team captains to ask your players to come on the ground. Let's start this match on time. Very well played, PNM Tigers. Let's see how Asma Royals are going to play tonight. AECL 2019 Cricket League, where all the artists and event managers and all the members who associated with the events are here for this friendly match. Probably it is going to be a wonderful experience for all of us. So here I'm giving a special thanks to all our sponsors, Devam, Touchwood, CCI, Jannat Valley, Galway, Shifroot Mart, BMP Weddings, Bobby Yash, Catalyst, Pulse by Sunny Sabrawal, Nava, Asma, Encasa, Celebels, Smile and Soul, IFCS, JK Events, Imperia, Bolly Jammers, Saksham IT Solution, Planet Josh, B3, Cinelove, Syllables, and MH1 for being our media partner and Khomcha, the sponsor of our food. A special thanks all the sponsors. So ladies and gentlemen, day 3, match 2nd, second inning is about to start. Devam and Touchwood Group presents AECL Artist Event Cricket League 2019 powered by Galway in association with Jannat Valley is all ready and set to play the second inning of today's second match where
Asma Royals and PNM Tigers playing this friendly match. अब बारी आएगी आसमा रॉयल्स की बैटिंग करने की क्योंकि PNM Tigers ने बनाए हैं 150 runs. तो जीतने के लिए आसमा रॉयल्स को बनाने होंगे इन 15 ओवर्स 151 runs. So again, I'm requesting both the captains, please ask your team players to go on the ground. Here I can see all the players are moving forward toward the pitch, taking their position. Good luck to both the teams. और यहाँ पर PNM Tigers ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग उन्होंने की थी और अब आसमा रॉयल्स के लिए उन्होंने सेट किया है एक टारगेट 151 रन्स का. And of course, to the people who are watching it online, I'm sure it's sweet to your eyes. यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल येट प्रोफेशनल इन देयर ओन वेज. इससे पहले मैच था इंटरसेप्ट रेडिंकर्स वर्सेस सिंह स्ट्राइकर्स का, जहां पर इंटरसेप्ट ने मैच जीता था. सेकंड मैच जो चल रहा है आसमा रॉयल्स और PNM Tigers का, अब बारी आती है आसमा रॉयल्स की बैटिंग करने की. गुड लक बोथ द टीम्स, ओवर टू यू कमेंटेटर. और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच दोनों टीमों के बीच में. ए ई सी एल 2019 का 7 मैच अपने आखिरी चरण में है. देखते हैं कौन सी टीम अपनी दावेदारी ठोकेगी यहां पर. इवेंट क्रिकेट लीग करेंगे कि अपने स्कोरर को भेजें यहां पे प्लीज, क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला है. और आसमा टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बैट्समैन को प्लीज ग्राउंड पे भेजें और मैच स्टार्ट करना है. और आगे की अरे रिदम रॉकर्स के कैप्टन भुवन. दिलवाग सिंह जी, आसमा के बैट्समैन क्रीज पे पहुंचिए प्लीज.
फायर भी आ गया, स्कोर ज्यादा पता नहीं है। बोल दो माइक पे ही, स्कोरर ग्राउंड स्टाफ स्कोरर को भेजिए जल्दी। बैट्समैन कौन है एक बार बताइए नाम प्लीज। नाइस बॉल सुपर्ब। अरे यार ये तो फायदा उठा के हैं, कोई कोई नहीं डेड बॉल का इशारा। लग भाई लग भाई, बोलो रन नियर तो नहीं नहीं बॉल काउंट होगी पर रन बॉल काउंट बहुत अच्छी बॉलिंग धर्मेंद्र के द्वारा। क्यों छेड़ रहे यार बीच बीच में, बॉलर के साथ रहने को ना, एक ही सीट में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, एक ही सीट में तो खाली जाएगा। चंदन भाई पीछे पीछे पर एक ही सीट में होगा ना, कोई बात नहीं कोई बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बॉलिंग और बहुत बढ़िया कैच चंदन के द्वारा। उसकर जीरो पे वापस जाते हुए बहुत ही अच्छी बॉलिंग का बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए पीएनएम। चलो जी बोलो। आज हमारी टीम कुछ बैलेंस लग रही है, क्या कहते हैं सर आप? अच्छा प्रदर्शन अभी तक और ये जीत के साथ पूरा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ऐसी विकेट लेते रहिए जल्दी जल्दी। आवाज
आसमा के बैट्समैन के बीच में बहुत बड़ा जोश है, वेरी गुड बॉल। Very good ball. Match over. कुछ स्कोर नहीं, चार रन, चार रन, हाँ चौका, चौका है ना? हमने देखा। चैनल पे आ रहा है ये प्रोग्राम। चौका कब है? अभी तक एक ओवर, चार रन, एक विकेट। बॉलिंग बाय इंदीप बख्शी, बहुत फेमस सिंगर है, इनका गाना बहुत फेमस है, सैटरडे सैटरडे। बहुत बढ़िया शॉट, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिलेगा इस बॉल पे, लिख ले भाई, बॉल का फ्री हिट का इशारा, फ्री हिट है। हमारे एम्पायर बहुत ही इंटेलिजेंट है। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड, चार रन। गर्ल्स रेडी फॉर डांस, यस कम ऑन, ये वेरी नाइस डांस। बहुत अच्छी बॉल, छागे इंदीप बख्शी पाजी, काफी हैंडसम है इंदीप बख्शी और बहुत अच्छे सिंगर हैं। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बॉल, वेरी गुड। छा गए हैं दीप बख्शी जी, अभी तक का स्कोर 11 है। कैच, गर्ल्स डांस डांस डांस। वन मोर प्लेयर आउट। दो ओवर 11 स्कोर 2 विकेट। आसमा रॉयल के प्लेयर्स के अंदर पूरा जुनून है, पूरा जोश है। पीएनएम टाइगर्स बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। नए बैट्समैन आए हैं मोंटी। आसमा ग्रुप से मोंटी। बॉलिंग बाय धर्मेंद्र। गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग। एक रन हुआ। मोंटी एंड शबीर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आसमा रॉयल्स की, और उनको एक अच्छी पार्टनरशिप निभानी होगी अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। AECL 2019 इनिशिएटिव बाय नावा 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 नावा।
और ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, एक रन मिलेगा आसमा रॉयल्स की टीम को। और और ये देखना होगा कि इसको कैच पार कर पाते हैं कि नहीं। और ये कैच, और ये बहुत बड़ी विकेट आसमा रॉयल्स की जो पीएनएम टाइगर्स ने एकदम ग्रैब कर लिया है। पीएनएम टाइगर्स ने तीसरा विकेट डाउन किया, तीसरा विकेट लिया। कमाल की बॉलिंग और कमाल की कैच ली हमारे प्लेयर्स ने पीएनएम टाइगर्स। जय वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। नए बैट्समैन आए हैं सुलभ नागपाल, जो आसमा रॉयल्स के सेलिब्रिटी फेस हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ा चैलेंज जो दोनों बैट्समैन को मिलकर पूरा करना होगा, मोंटी एंड सुलभ नागपाल। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग 2019 इनिशिएटिव बाय नावा, नावा बाय आशीष माथुर। एक रन आसानी से लिया, बहुत ही अच्छी रनिंग मोंटी एंड सुलभ। मैच काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तीसरा ओवर चल रहा है ये, और ये वाइड मिलेगी, वाइड ही मिली एम्पायर द्वारा। एक रन और मिलेगा आसमा रॉयल्स की टीम को, एक रन और मिला आसमा रॉयल्स को। आसमा रॉयल्स बाय आशीष माथुर, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार इंसान है। देखना होगा ये शॉट, वेरी गुड शॉट, किस तरफ जाता है, फील्डर रोक पाते कि नहीं। नहीं, बहुत ही अच्छा शॉट सुलभ नागपाल द्वारा। ऐसे ही शॉट्स की जरूरत अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। AECL 2019 इनिशिएटिव बाय नावा। और के लिए दोबारा इंदी बख्शी आते हुए, फिर एक बार इंदी बख्शी जी जो सेलिब्रिटी फेस हैं पीएनएम टाइगर्स के, शायद ही उनका लास्ट ओवर होगा। कोई रन नहीं, बहुत बढ़िया बॉल,
by Indeep Bakshi. बहुत ही अच्छी बॉल बाय इंदीप बख्शी जी. क्या चाहिए? ओह, ये नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा सुलभ नागपाल को. ये फ्री हिट होगा और रन भी मिला, बॉल भी नहीं. इसमें सिर्फ रन आउट हो सकते हैं आप और आप कहीं पर भी फ्री हिट कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं इसका. और ये बहुत ही अच्छी बॉल, कोई चांस नहीं बैट्समैन के पास फ्री हिट का, कोई यूज नहीं कर पाए बैट्समैन. इंदीप बख्शी जी, पीएनएम टाइगर्स. और ये एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का, एक रन मिलेगा और ये फोर, बहुत ही एक फोर और एक रन अतिरिक्त, पांच रन मिलेंगे इस बॉल पे. विदाउट बॉल पांच रन, लेस इन्वेस्टमेंट मोर रिटर्न. और बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी सुलभ नागपाल और मोंटी के कंधों पे आसमा रॉयल्स की. और एक रन पूरा किया आसानी से सुलभ नागपाल ने. चौथा ओवर ये चल रहा है. और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, दो रन मिलेंगे इसमें. और पवन सर का आदेश है पूरी टीम को कि एक्स्ट्रा रन दिए जाएं. स्कोर हुआ है 29 और ये फोर्थ ओवर चल रहा है. और ये वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, एक रन और मिला आसमा रॉयल्स को. आसमा को स्कोर्स की बजाय वाइट और नो बॉल का ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बैट्समैन को कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ रहा. और ये बढ़िया शॉट, बहुत एक रन मिलेगा आसानी से. गुड फील्डिंग सुलभ नागपाल के बल्ले से निकला हुआ एक रन. AECL by Nava. और ये बहुत ही बड़ी विकेट गिर गई, बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी विकेट, क्योंकि ये मेन विकेट थी आसमा रॉयल्स की और इसका खामियाजा आसमा रॉयल्स को भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी विकेट और चार डाउन विकेट्स हो चुके हैं. देखना होगा कि आसमा रॉयल्स अपनी पारी को कैसे संभालते हैं.
बहुत बड़ी विकेट सुलभ नागपाल की, जिनकी जो कैप्टनसी थे। आशीष जी, इसका खमियाजा आसमा रॉयल को भुगतना पड़ेगा या उस प्लेयर को, पूरी टीम को? ओके, मुझे लगा कि आप अपने प्लेयर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहते हैं, पूरी टीम को। ओके, और नए बल्लेबाज आए हैं महेंद्र, जो महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। देखेंगे आज कैसे अपनी टीम को बचाते हैं। माही आए हैं सुलभ नागपाल जी के जगह पे, देखते हैं अपनी टीम को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं अपना। और ये लास्ट बॉल होगी इंदीप बख्शी जी की। और बहुत बढ़िया महेंद्र माही, माही और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में एक सिमिलर बात है कि दोनों का नाम माही है। अरे भैया हम कर देंगे ना, हमने इनकी बात माननी है, हमें काम करना है इनके साथ। इकतीस रन का स्कोर है और चार विकेट डाउन है, और बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी, पहाड़ जैसा स्कोर है जिसके लिए एक अच्छी पार्टनरशिप भी जरूरत होगी आसमा रॉयल्स के बैट्समैन को। देखते हैं कि किस तरीके से माही और मोंटी इसको निभाते हैं। दिलबाग सिंह और कैप्टन खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, दिलबाग सिंह जो सेलिब्रिटी फेस हैं पीएनएम टाइगर्स के। दिलबाग सिंह कैप्टन पीएनएम टाइगर्स। कप्तान दिलबाग सिंह की बॉलिंग, और ये बहुत बड़ा सिक्स माही ने करके दिखा दिया। जैसे मैंने कहा था कि माही के फैन है ये महेंद्र सिंह धोनी के, और वो ही उन्होंने जलवा दिखाया, आते ही पहली बॉल पे लगा दिया बहुत बड़ा सिक्स। और ये आशीष माथुर के चेहरे पे मुस्कान, कैप्टन दिलबाग सिंह का स्वागत किया सिक्स के साथ पहली ही बॉल पे। दिलबाग सिंह पूरे जोश के साथ, और देखना होगा कि एक और ये जाता हुआ फोर ए रोक लिया गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी फील्डिंग पीएनएम टाइगर्स के फील्डर्स के द्वारा। पहले मिसफील्ड हुआ फिर फील्डिंग बहुत ही अच्छी। और देखना होगा कि कैच कर पाते कि नहीं, और ये छोड़ दिया कैच, और ये कैच बहुत बड़ा कैच छोड़ा है इन्होंने। फील्डिंग बाय पीएनएम टाइगर्स राजीव जी, और एक जीवन दान मिला माही को। राजीव जी देखना होगा, और ये वाव लवली कैच, कैप्टन अपनी विकेट ले गए, और मोंटी आउट हुए हैं अभी,
और मोंटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, ये बहुत बड़ा विकेट आसमा रॉयल्स ने खो दिया। देखते हैं नए बैट्समैन कौन होंगे। आसमा रॉयल्स के बैट्समैन एक के बाद एक गिरते हुए, और देखना होगा कि ये मार्क एक बार मेरे पास आएंगे जरा प्लीज, जहां पे कमेंट्री हो रही है। स्कोर धन्यवाद, स्कोर हुआ है 40 रन पे पहुंची आसमा रॉयल्स की टीम, और ये पांचवा ओवर कैप्टन ने आते के साथ ही विकेट ली। बैट्समैन नेम राहुल, राहुल आए हैं। दिलबाग जी पहले लुक्रेटिव कर रहे थे, देखेंगे राहुल आए नए बैट्समैन। राहुल के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी आसमा रॉयल्स को जीत दिलाने के लिए, माही और राहुल। दिलबाग सिंह पूरे जोश के साथ, अच्छी गेंद, ड्राइव लगाया और देखते हैं क्या होता है, देखते हैं अंपायर का इशारा, नॉट आउट, वही पहुंच गए हैं, हाथों में से रन चुराया। अच्छी गेंद कप्तान दिलबाग की, और हाथों से रन चुराने में दोनों ही माहिर, राहुल और मही, मही मार रहा है। देखिए अंपायर से कोई बहस ना करें, क्योंकि अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। हमारे एम्पायर पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और जो भी निर्णय होगा एम्पायर का वो मानना पड़ेगा। दोनों ही काफी होनहार एम्पायर हमारे इस मैदान में, दोनों ही महेश। क्या हुआ अंपायर डिसीजन? देखिए अंपायर से कोई बहस ना करें, क्योंकि अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, जो भी उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अंपायर से कोई बहस ना करें, दोनों ही काफी सूझबूझ के साथ एम्पायरिंग करते हुए, और हमें बताएं अंपायर जी नॉट आउट, धन्यवाद बताने के लिए। और मही अपने क्रीज के अंदर मौत पहुंच चुके थे, काफी दबाव बनाने की कोशिश की पीएनएम टाइगर ने, लेकिन हमारे एम्पायर पर कोई प्रेशर नहीं पड़ा, काफी अच्छी और सूझबूझ के साथ एम्पायरिंग करते हुए महेश। दोनों का नाम पी एन एम टाइगर ने 151 रनों का लक्ष्य दिया है आसमा रॉयल को, और अभी तक अपने 5 विकेट गिरा चुके हैं आसमा रॉयल के बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी पी एन एम टाइगर की, कप्तान दिलबाग से गेंदबाजी करते हुए सामने मही। फुल टॉस गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, और भाग्यशाली रहे मही, अच्छी गेंदबाजी कप्तान की, और इसी के साथ डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है आसमा रॉयल का 41, 5 विकेट के नुकसान पर
8.20 की रन रेट के साथ रन बनते हुए आसमा रॉयल के और 5 विकेटों का पतन हो चुका है। मैदान खचाखच भरा हुआ। बॉलर नेम हनी है तो हाथ खड़ा करें। धन्यवाद जी दोनों हाथ खड़े करने के लिए। हनी गेंदबाजी करते हुए गुड़गांव छोर से सामना करेंगे। नाम तो सुना ही होगा राहुल। ब्यूटीफुल गेंद अच्छी गेंद और सम्मान दिया राहुल ने। ये अच्छी गेंद को पूरा पूरा सम्मान करते हुए राहुल। और फिर वही गेंद फिर वही बल्लेबाज और फिर वही डिफेंस राहुल। ऐसा लगता है कि रिप्ले दिखाया राहुल ने। और ये बोल्ड यॉर्कर लाइन के साथ राहुल को बोल्ड करते हुए अपने पहले ओवर में हनी ने अपना पहला विकेट चटकाया और आसमा रॉयल का 5वां विकेट का पतन किया हनी ने। माफी चाहता हूं 6 विकेट गिर चुके हैं आसमा रॉयल के। काफी खुश PNM टाइगर के सभी प्लेयर कप्तान दिलबाग सिंह काफी खुश अपने खिलाड़ियों से जो अपने कप्तानी के फैसलों पर सही और अच्छे नतीजे पर खड़े उतरे। बैट्समैन नेम भरत सुमित है तो हाथ खड़ा करें। और अगले बल्लेबाज सुमित बहल काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। कृपया मैच को रोका जाए अंपायर साहब मैच को रोका जाए। एक मिनट प्लीज स्टॉप द मैच भाग भैया। आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग 2019। हम आपको बता दें कि अपनी पहला मैच खेलने वाले खिलाड़ी हमारे बड़े भैया राजीव भैया का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने एक कैच छोड़ी और 0 पे आउट हुए। 5 साल के बाद क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा।
और नेक्स्ट बैट्समैन है हमारे गोलू सुमित भैया को गोलू आए हैं था कि उन्होंने फील्डिंग नहीं की थी इसीलिए एम्पायर का डिसीजन फर्स्ट और हमारे सुमित बहल भैया नेक्स्ट मैच खेलेंगे आसमा रॉयल्स की तरफ से आज के लिए एम्पायर्स ने नकारा और इसीलिए एम्पायर का डिसीजन फर्स्ट अगली बार गोलू आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में और बहुत बड़ी जिम्मेवारी गोलू और माही के ऊपर बीट किया बहुत गोलू अच्छी को बॉल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक चार गेंदों पर दोनों बैट्समैन को एक अच्छी पार्टनरशिप निभानी होगी अभी तक चार गेंदों पर कोई रन नहीं दिया ब्यूटीफुल गेंद एम्पायर का इशारा और एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा कृपया कोई बहस ना करें और ये एक और सातवां विकेट गिरा आसमा रॉयल का और अगले बैट्समैन आए हैं भरत नेगी और अब आए हैं भरत नेगी जो जाने जाते हैं बड़े बड़े शॉट्स के लिए और इनका अपना गेम है कि ये बहुत ही बड़े बड़े छक्के मारते हैं देखते हैं आज आसमा रॉयल्स को किस तरीके से यहां से निकाल के ले जाते हैं जीत की ओर भरत नेगी क्या इनको भरत नेगी जिम्मेदारी उठानी चाहिए 41 लास्ट बॉल और अभी तक कोई रन नहीं आया पांच गेंदों पर काफी अच्छी गेंदबाजी हनी करते हुए अच्छी गेंद और ये इस टूर्नामेंट का पहला मैडिन ओवर हनी के द्वारा और ओवर की समाप्ति बॉलर आए हैं दिलबाग सिंह जो कैप्टन है और इससे पहले ओवर जो गया है बहुत ही अच्छा ओवर हनी का हनी ने बहुत ही किफायती बॉलिंग की है पीएनएम टाइगर्स के लिए उनकी तारीफ करनी होगी बहुत ही ज्यादा और अब आए हैं कैप्टन देखते हैं अपनी टीम के लिए और क्या और ये कप्तान को हटाया गया गेंदबाजी से वाइस कैप्टन ने जिन्होंने पिछले ओवर में एक विकेट हासिल किया था मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे म्यूजिक ऑफ करें प्लीज काफी धीमी गति की गेंद की हुई समझ नहीं पाए मही और बैट्समैन है माही बहुत बड़ी जिम्मेवारी माही के कंधों पे आसमा रॉयल्स की टीम के लिए और ये अपनी फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच ये कैच टपकाया मोहन प्यारे ने अपनी बॉल कनेक्ट करेंगे
ब्यूटीफुल गेंद, विकेट टू विकेट गेंद करते हुए मोहन प्यारे, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 50 रनों का योगदान दिया था। और फिर से खेलना चाहते रहे स्क्वायर लेग की शाम में, लेकिन हमारे इस टूर्नामेंट के कुछ नियम हैं, लेग बाय के रन नहीं। काफी दबाव में दोनों ही बल्लेबाज माही और भरत नेगी, ब्यूटीफुल गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अपनी उंगलियों का जादू गेंद पर फेरते हुए मोहन, जो काफी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। और ये मही मार रहा है भाई, भैया मही मार रहा है, छक्का मारा मही ने, बहुत बड़ा सिक्स, छक्का नहीं ये अच्छा है, काफी शॉर्ट गेंद, रिविंग गति का गेंद, और इसी के साथ छक्का मारकर ओवर की समाप्ति की, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 47 यानी के 47 यानी के 4-7 47। भैया जी मही मार रहा है, और अभी भी आसमा रॉयल्स के जीतने की पूरी संभावना है। स्कोर हुआ है 47 और बॉलिंग का भार संभाला है कैप्टन दिलबाग सिंह ने। और ये खेल दिया है, देखेंगे 1 रन मिलेगा टीम को, और आसमा के जीतने की पूरी संभावना है। अच्छी फील्ड राजीव भैया के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त फील्ड करते हुए, अच्छी गेंदबाजी दिलबाग सिंह की, जो खुद अपनी टीम का भार अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। राजीव भैया बोल रहे हैं सिंगल जाने दो, ब्यूटीफुल गेंद खेल दिया है, वापस भी फील्ड हुआ फील्डर से, और ये 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, सीमा और रेखा, 4 रनों के लिए सीमा और रेखा के बाहर भेजा गेंद को। मही मार रहा है, भैया जी मही मार रहा है, अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी चलाकी गेंदबाज की, क्योंकि वह खुद एक कप्तान है टीम के। फिर से खेला है मिड विकेट की दिशा में, और ये बहुत ही अच्छी बॉल, फील्डर मौजूद मोहन प्यारे, बहुत ही एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को, मही को, और अगली गेंद का सामना करेंगे भरत नेगी। फिर से बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, और गेंदबाज दिलबाग सिंह की चालाकी से बैट्समैन को पूरा बीट करते हुए, कहते हैं तजुर्बा ही काफी है क्रिकेट के लिए, और अपने पूरे तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए दिलबाग सिंह, फुल टॉस गेंद, ग्राउंड शॉट खेला गया, वहां फील्डर मौजूद है, दोनों बल्लेबाजों को एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।